तो फ्रेंड्स आज हम जो बनाने वाले हैं ये आपका अगर किसी चैनल में मिल गया ना तो मैं अपना चैनल का नाम ही बदल दूंगा। देखिए आज हम बनाने वाले एक जो है हमारा सीलिंग फैन का कॉयल होता है, सीलिंग फैन से एक हम इन्वर्टर बनाने वाले हैं जो कि 12 वोल्ट से 220 वोल्ट देख सकते हैं ये सर्किट है और इस तरीके से कनेक्ट किया। अभी देखिए बैटरी को इस तरीके से जो है हमारा सर्किट को से साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए ये बहुत सारे जो हाई वाट के लैंप है, आप सोच नहीं सकते कितना बढ़िया सा एक इन्वर्टर है, आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। देखिए अभी इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो देखिए हमारा जो लैम्प कितना ज्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा फैन का जो कॉयल होता है बहुत ही बढ़िया होता है, इससे अगर इन्वर्टर बना डाला तो आपका इन्वर्टर जिंगल आला। तो कैसे हमने इसे बनाया तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले बोल देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो स्किप करेंगे तो आपका ही लॉस है। देखिए आपको तो पहले दो मॉस्फेट चाहिए, देखिए IRFP460 जो कि बहुत ही बढ़िया मॉस्फेट है। अभी देखिए ये जो हमें एक बढ़िया सा एक हीटसिंक चाहिए, उसके बाद जो इस तरीके का माइका सीट चाहिए। माइका सीट ये होता है कि आपका जो मॉस्फेट के नीचे के भाग में जो कनेक्शन होता है वो हीटसिंक के साथ ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए हम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको लगाने के बाद देखिए स्क्रू लगा के हम जो इसको हीटसिंक के साथ टाइट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, आज जिसमें बहुत ही कंजूसी करते हैं आप, क्यों नहीं लाइक करते यार, इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिए। अभी देखिए दूसरे मॉस्फेट को भी लगा रहे हैं, इसके साथ हीटसिंक माइका सीट नहीं लगा रहे क्योंकि ज़रूरत नहीं, एक के साथ लगाया था और दूसरे के साथ ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखिए आपको जो है 220 ओम का रेजिस्टेंस है ये चार, ठीक है। अभी देखिए दो दो करके 220 ओम का देखिए दो दो करके इस तरीके से आपको पैरेलली कनेक्शन कर लेना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो आपको कनेक्शन कर लेना है 220 ओम का रेजिस्टेंस, देखिए आपको दो सेट चाहिए क्योंकि हमने चार लिया था, ठीक है। अभी देखिए आपको 2 1K का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी जो काम हो गया, अभी देखिए मॉस्फेट का जो है एकदम जो लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला पिन है, उसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है। उसके बाद जो एक कॉपर वायर लेना है, देख लीजिए इस तरीके का एक कॉपर है जिसके ऊपर कोई भी कवर नहीं है, उसको जो है इस तरीके से दो जो पॉइंट है उसको जो है हमें पैरेलली इस तरीके से जो है सोल्डरिंग कर देना है, ठीक है, ताकि ये दोनों कनेक्ट हो जाए इस तरीके से, ठीक है। देखिए अभी इस तरीके से हमने जो है सोल्डरिंग कर दिया, तो देखिए ये लास्ट दो पॉइंट जो है कनेक्ट हो चुका है। अभी जो है आपको 220 ओम का जो हमने पैरेलल कनेक्शन वाला रेजिस्टेंस किया था उसको लेना है, ठीक है। उसके बाद जो इस रेजिस्टेंस को मॉस्फेट का जो बीच वाला पॉइंट के एक मॉस्फेट के बीच वाले पॉइंट के साथ कनेक्शन करना है, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से जो आपको कनेक्शन करना होगा, उसके बाद जो दूसरे वाला पॉइंट को जो है दूसरे मॉस्फेट के जो पहले वाला पॉइंट है उसके साथ आपको सोल्डरिंग करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि हीट होगा तो ये डिसोल्डरिंग हो जाएगा तो आपका सर्किट बंद पड़ जाएगा, तो अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करना है, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से अभी जो दूसरा वाला जो है हमारे पास 220 ओम का जो और एक सेट हमने बनाया था पहले ही, उसको जो है जिस रेजिस्टेंस का पहले हमने बीच में कनेक्ट किया था उसका जो पहले वाला छोर जो है अभी भी एम्प्टी है, उसको उसके साथ कनेक्ट करना है और दूसरे मॉस्फेट के जो है बीच वाला पॉइंट के साथ लीजिए इस तरीके से सोल्डरिंग करना है। फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत ही आसान सा एक सर्किट है और बहुत ही आसानी से आप जो है बहुत ज़्यादा हाई पावर गेन कर सकते हैं 12 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। तो अभी देखिए आपको जो 1K का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इस 1K का रेजिस्टेंस को क्या करना है, देखिए ये एक मॉस्फेट को ले लीजिए, उसका जो है पहले वाला और जो है आखिरी वाला जो पॉइंट है उस दो पॉइंट के साथ आपको दो रेजिस्टेंस का दो पॉइंट को आपको सोल्डरिंग करना है, ठीक है। देख लीजिए वीडियो में मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, आप ही उस तरीके से करने की कोशिश कीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप अगर PVC के ऊपर करना चाहते हैं तो करिए, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तू PVC के ऊपर क्यों नहीं करता, तो क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, आसान रखने के लिए चीज़ को मैं इस तरीके से खुले के ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इस तरीके से जो आपको दूसरे 1K का जो रेजिस्टेंस था दूसरे मॉस्फेट के साथ भी आपको इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि ये हीट हो तो तब भी ना निकाले, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरीके से हो चुका है, अभी इसको सोल्डरिंग करना है। तो फ्रीज यार फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही आप इसमें जो है आपका ही फायदा है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक ही चीज़ मांगता हूँ। और चैनल को भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिलेगा। अभी जो है आपको और एक ब्लैक वाला वायर ले लीजिए, जिसके साथ आपका जो कॉपर वायर था हमने जो लास्ट वाला छोर के साथ कनेक्ट किया था दो मॉस्फेट को, तो उसके साथ ये कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा बन गया जो है नेगेटिव का पॉइंट, ठीक है। इससे जो है हमें बैटरी का नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमारा जो बन चुका है,
इसके बाद जो है आपको दो मोटे मोटे ऑयल लेना है, ठीक है, जो कि हाई गेस का हो, देख लीजिए इस तरीके से ले आए। इसको जो है दो मॉस्फेट के जो बीच वाला पॉइंट है उसके साथ आपको सोल्डरिंग करना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला वायर से जो है हम हमारा जो फैन का जो सर्किट है उसको हमें जो सीलिंग फैन का सर्किट है उसको हम कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरीके से जो है हमारा बन चुका है, देख लीजिए, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो कहीं पे नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, कुछ भी नहीं मांगता है, एक लाइक ही मांगता हूँ, ठीक है। तो चलिए हो गया है, अभी देखिए ये रही हमारा जो है सीलिंग फैन, ठीक है। इस सीलिंग फैन को पहले तो खोल लेते हैं, चलिए ये बहुत ही अटका हुआ है, तो चलिए इसको बाहर से खोल के आपको दिखाते हैं। चलिए जो खोल चुका है, अभी देखिए ये रही हमारा फैन का कॉयल, ठीक है। अभी कॉयल के ऊपर देखिए तीन वायर रहता है, आपको जो है बस इस दो वायर को लेना है, इस दो कलर को वायर को। अभी देखिए इसका कॉयल जो है बहुत ही बढ़िया है, अभी देखिए कॉयल के ऊपर जो चार छेद है, इस छेद को हम काम पे लगाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर के एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इसका जो है प्राइमरी वाइंडिंग नहीं है, हम इसको जो है प्राइमरी वाइंडिंग बनाएंगे। इस प्राइमरी वाइंडिंग को बनाने के लिए आप जो है मोटे वाला वायर यूज़ कीजिए, तो आपको बहुत ही हाई वाट का जो आउटपुट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए मैं जो इस तरीके का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है, बहुत ही बढ़िया है, पूरे तरीके से कॉपर वायर का रहता है और जो है बहुत ही पावरफुल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए इस तरीके से मैं जिस तरीके से इसका वाइंडिंग कर रहा हूँ, तो आपको बस दो ही टर्न देना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको टर्न देना है, चलिए पूरा आपको मैं वीडियो पे दिखाऊंगा, बिल्कुल भी कट नहीं करूंगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर मुझको गाली दोगे आप कमेंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो करना है, मैंने मुझे एक भाई कहा था, भाई तू बस म्यूज़िक सुनाता है, बात नहीं करता, तो मैं इस वीडियो पे पूरी तरीके से बात करके बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। मैं इस तरीके से बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहता हूँ। अभी देखिए और एक जो है आपको वायर चाहिए, ठीक है, दो और जो छेद है उसके अंदर इस तरीके से लेना है। अभी देखिए दूसरा वाला वायर का जो पॉइंट है उसको छिल के जो है दूसरे वायर के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया हमारा प्लस का पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो हम कनेक्ट करने हैं दो वायर को, ये हमारा प्लस का पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी जो इस तरीके से आपको फिर से दो जो पॉइंट के अंदर से आपको वायर को डालना है, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से आपको कम करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से कीजिए। मैं जो वीडियो को फास्ट काट रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आपको ये बहुत बोर लगेगा, लेकिन मैं इसको पूरे तरीके से दिखाना चाहता हूँ, नहीं आपको नहीं तो मिस्टेक होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। देखिए अब तो ये बन चुका है हमारा जो है फैन, जो है एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा, ठीक है। जो हमारा इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर होता है ना, उस तरीके से काम करेगा हमारा अभी ये सीलिंग फैन, ठीक है। तो चलिए इस दोनों वायर को छेल लेते हैं, ठीक है। अभी तो देखिए सर्किट के साथ जो हमने मोटा वाला वायर लगाया था, इसको जो है अपने को छेल लेना है, ठीक है, इस तरीके से कवर आउट कर लेना है, ठीक है। देख लीजिए अभी जो इस दोनों वायर को किसी भी रैंडमली आप किसी के साथ किसी को लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है सिग्नल जनरेट होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है किसके साथ किसको लगाना है। तो इस तरीके से आपको लगा देना है, ठीक है। तो चलिए अभी जो हो चुका है, अभी देखिए ये माइनस का, अभी जो है हमारा सर्किट पूरी तरीके से रेडी है, और फैन के वहाँ पे जो हमने दो वायर जोड़ा था वो प्लस का पॉइंट, अभी और जो यहाँ से हमने सर्किट से एक ब्लैक वायर जोड़ा था वो माइनस का पॉइंट। अभी देखिए टेबल फैन के जो हमारा फैन का जो सर्किट है कॉयल है उसके ऊपर ये दो वायर जो है हमारा आउटपुट का पॉइंट है। अभी इसके साथ चलिए बोर्ड को जोड़ लेते हैं, ठीक है, ताकि इसके साथ हमें कुछ एक्सरसाइज चला के आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको तो अभी जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगेन आपको कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमने जो कनेक्ट कर चुका है, अभी देखिए ये रही हाई वाट का लैम्प, यहाँ पे देखिए दो जो है 100 वाट का लैम्प है और एक है 200 वाट का लैम्प, इसको अभी जो इसके साथ कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ। पहले तो चलिए इसके साथ जो है हमने बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं अपना, ये रही 12 वोल्ट का जो बाइक का बैटरी फुल चार्ज पे है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको जो है हम सर्किट के साथ ब्लैक को ब्लैक के साथ, मतलब माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए रेड वाला जो पॉइंट है, ये देखिए मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा प्लस का पॉइंट है, तो इसके साथ जो हमें इसको कनेक्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए इस तरीके से बन चुका है, अभी जो है ये हमारा जैक है, इसको चलिए इन करते हैं, देखते हैं हमारा सर्किट काम कर रहा है या नहीं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स वाओ कितने अच्छे तरीके से जो हमारा सर्किट काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत
बहुत सारे लाइक कीजिए, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से वीडियो आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका जो है नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको से मुलाकात होगी दूसरी वीडियो पर।